नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। सर्जिकल स्ट्राइक के चार दिन बाद बारामूला में राष्ट्रीय राइफल्स कैंप पर आतंकी हमला। जवानों ने आतंकियों को दिया मुंह तोड़ जवाब। मुठभेड़ में बीएसएफ का एक जवान शहीद, तीन जख्मी। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। बारामूला हमले के बाद जम्मू से लेकर दिल्ली तक खलबली। रक्षा मंत्री ने की तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक। देर रात गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एनएसए अजीत डोभाल और बीएसएफ डीजी से की थी बात। आज राजनाथ सिंह कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर। पाकिस्तानी मीडिया का दावा, पाक एनएसए नासिर जंजुआ और अजीत डोभाल ने की फोन पर बातचीत। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच हुई सीमा पर तनाव कम करने पर चर्चा। नीतीश कटारा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की सजा 5-5 साल घटाई। आदेश के बाद अब विकास और विशाल यादव की सजा हुई 25-25 साल और सुखदेव पहलवान की सजा हुई 20 साल। हाईकोर्ट ने तीनों दोषियों को सबूत नष्ट करने के लिए दी थी 5 साल की अतिरिक्त सजा। बिहार में महफूज नहीं है पुलिस वाले। गया में कोठी थाना प्रभारी की गोली मारकर हत्या। पुलिस को नक्सली वारदात की आशंका। ऐतिहासिक जलवायु समझौते को भारत ने दी मंजूरी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अनुमोदन के दस्तावेज सौंपे। बान की मून ने कहा शुक्रिया, तो वही अमेरिका ने थपथपाई पीएम नरेंद्र मोदी की पीठ। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।